हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इन इजी वे। तो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो ऑन द डिमांड ऑफ माय व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स ऑन द साड़ी शॉप। सो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ स्टोरी पे। तो उस स्टोरी पे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अगर मेरे को इसकी जैसे मेरे को इसकी बुक मिलेगी तो मैं एक इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो यस गाइस, मुझे इसकी बुक मिल गई है और मैं आज वीडियो जो है उस टॉपिक पे दोबारा से रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। एंड ये वीडियो को मैं एक सीरीज में पब्लिश करूँगी क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी लेंथी है और इतनी लंबी वीडियो में मुझे एडिटिंग की थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूबर। एंड आज लाइट का भी इशू है बिकॉज बाहर बारिश है और लाइट गई हुई है, तो फिर इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। सो फर्स्टली ये जो स्टोरी है ये है सेवक साड़ी हाउस से शुरू होती है, ठीक है। नाम है इसका स्टोरी का द साड़ी शॉप, ठीक है। राइटर है इसके मैडम रूपा बाजवा। ये स्टोरी पब्लिश हुई है 2004 में एंड जो राइटर है उनका बर्थ हुआ है 1976 में, ठीक है। और ये इनका द साड़ी शॉप जो है, द साड़ी शॉप इज द बेस्ट वर्क ऑफ रूपा बाजवा एंड शी गॉट द कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। सो द सेवक साड़ी हाउस जो है वो इस साड़ी शॉप का नाम है एंड जो इसके जो प्रीवियस ऑनर है, जो जिन्होंने ये दुकान शुरू करी उनका नाम था सेवक राम। और जो इनके प्रेजेंट ऑनर है इस शॉप के उनका नाम है भीमसेन सेठ। एंड ये भीमसेन जो है वो सेवक राम जी के ग्रैंडसन हैं और इन्होंने भीमसेन सेठ ने ये जो जॉब है इसमें ऑनरशिप ली एट द एज ऑफ 20 इयर्स। और इनकी ऑनरशिप के दौरान ही जब ये इन्होंने दुकान का चार्ज लिया उसी इनके टाइम के दौरान ही एक 15 साल का जो महाजन था, 15 इयर्स महाजन नाम का पर्सन जो है इनके पास जॉब के लिए आता है। ये उनको एज अ सेल्समैन रखते हैं और ये उनका बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन उनका प्रूफ होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शॉप की इसको दे देते हैं और ये भीमसेन सेठ जो है ये थोड़ी कुछ और मतलब अपने कुछ और बिजनेस या कुछ और काम कह लो वो करने लग जाते हैं और दुकान में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। कुछ इनके जब कुछ मतलब कुछ ओकेजन हो या कोई VIP कस्टमर्स को ही डील करने आते हैं। तो ये सारा कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप ये वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो आप जरूर देखें मेरे चैनल पे जाकर, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इसका जो स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स एक चरण है जो मैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं आज वो सारा प्रीवियस वाला नहीं डिस्कस करूंगी, मैं आज जो है नेक्स्ट जो भी है उसका आगे वो डिस्कस करूंगी इसमें। छोटा सा क्विक व्यू ले लेते हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो का कि उसमें ये जो एक कैरेक्टर है एक इस शॉप में जो काम करने वाले बंदे हैं वो है रामचंद, ठीक है। रामचंद, दूसरा आएगा एक हरी, तीसरा आ जाएगा गोकुल, चौथा आ जाएगा चंदर। इसकी वाइफ का भी जिक्र है इसमें जिसका नाम है कमला। ये एम्प्लॉय नहीं है शॉप की बट शी इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। एंड दो कैरेक्टर इसमें और हैं, एक तो है श्याम और एक है राजेश। तो दुकान के अंदर जितने भी पर्सन काम करते हैं उनमें से इस स्टोरी में ये 6 लोगों का जो है जिक्र ज्यादा किया गया है
और ये जो दो पर्सन है ये दो दोनों ही सिंसियर है और ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है आपस में। और इन दोनों को जो भीमसेन सेठ है वो इनको सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं बिकॉज दे आर द सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द शॉप। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा यंगर पर्सन है। इस स्टोरी में हमें ट्रेजिक फ्लॉ भी देखने को मिलेगा, कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो जितनी भी कॉमेडी है वो ये कैरेक्टर जो है इसका रोल है उसमें। कॉमेडी में ये बहुत ही फनी गाय है और ये कोई भी बात है उसको मजाक में ही लेता है। और जो महाजन और भीमसेन सेठ है उनको पता है हरी कैसी नेचर का है, तो वो कोई भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम इसको नहीं देते हैं। तो गोकुल उनका बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है और चंद्र बहुत ही काम पर्सनैलिटी है। तो ये इसका जहां तक फर्स्ट चरण में दुकान का जो भी व्यू है, दुकान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे रामचंद्र जो शुरू है कहानी शुरू हुई है रामचंद्र जी से, तो वो मतलब कहाँ से शुरू हुई, कैसे वो उठ के दुकान पे जाते हैं एंड ऑल दैट, सारा कुछ जो है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब चलते हैं हम आगे। उस चरण के बाद ये जो कहानी है ये अमृतसर के दूसरे कॉर्नर को एक्सप्लोर करती है, उसके बारे में बताती है। अमृतसर के दूसरे कॉर्नर में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर का व्यू देते हैं इस स्टोरी में। एंड उस स्टोरी में एक लेडी का लेडी के लेडी है मिसेस संधू, वो उस किचन में काम कर रही होती है। तो उसके उस व्यू से ये दूसरा चरण जो है वो ओपन करते हैं। तो इसमें एक उस जो एरिया है वो जो वीआईपी एरिया है उसमें काफी सारे घर हैं। जो सबसे पहला घर जो है वो है मिस्टर एंड मिसेस संधू का, ठीक है। एक और फैमिली है, इंजीनियर फैमिली बोल रहे हैं इनको, ये भी इनका नाम नहीं बताया इसमें। और एक और फैमिली है इसमें मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, ये तीन फैमिलीज हैं, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस संधू जो है इनका सबसे पहले बताया गया। मिसेस संधू जो है वो अपने किचन में काम कर रही होती है और ये एक बहुत ही थोड़ी फैटी लेडी है बट गोरी है और इसके बाल भी बहुत हेल्दी है, स्किन भी बहुत हेल्दी है। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करती है कि तो क्या हुआ मैं थोड़ी मोटी हूँ बट मैं सबसे अच्छी दिखती हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को अपनी स्किन को अपने बालों को बहुत ही मेंटेन करके रखा है, तो मैं ठीक है, मैं उन सबसे ज्यादा सुंदर लगती हूँ। और ये जो फैमिली है इनका इनका एक बेटा भी है इसमें जिसका नाम है मनु, तो ये अभी स्टडी कर रहा है। और इसमें जो लेडी है मिसेस संधू जब किचन में काम कर रही थी तो दूध दूध बॉईल कर रही है वो मन्नू के लिए, तो दूध गर्म करके वो मन्नू के लिए लेके जाती है। पर मन्नू वो दूध पसंद नहीं करता कि वो कहता है कि मेरे को मिल्क की क्रीम अच्छी नहीं लगती, तो वो उसको स्ट्रेन करने के लिए बोलता है अपनी मदर को, तो थोड़ा रूड वे से बात करता है अपनी माँ से। तो मिसेस संधू जो है वो बेचारी चुपचाप अपने उधर जाते हैं किचन में और उसको मिल्क को स्ट्रेन करके फिर से इसके पास लेके आते हैं। मीनवाइल जो है मिस्टर संधू जो है वो कॉल करते हैं घर पे, मिसेस संधू भाग के वो फोन उठाती है ताकि इसके बच्चे की पढ़ाई जो है वो स्टडी वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये भाग के फोन पकड़ती है एंड ही इज इन वेरी गुड मूड एट दैट टाइम बिकॉज इसको एक बहुत भारी रिश्वत मिली होती है उस टाइम पे। ये रिश्वतखोर फैमिली है क्योंकि इनका घर बहुत लग्जरी है और जो भी आसपास मोहल्ले के लोग हैं वो यही कहते हैं कि इतना लग्जरी घर जो है वो चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो उसके पास नहीं हो सकता, ये पक्का रिश्वत ही लेते हैं। और इसमें ये दर्शाया भी गया है, इस स्टोरी में बताया भी गया है कि ये वाकई में एक इसको इसको बड़ी डील इसकी होती है किसी के साथ और ये बहुत अच्छे मूड में उसके फोन करके फोन पे बात करता है और पूछता है कि मन्नू क्या कर रहा है, एंड शी इज रिप्लाइंग कि वो स्टडी कर रहा है। इनका बस इतना ही बताया है। नेक्स्ट आगे इनके घर के बिल्कुल पास ही एक और फैमिली रहती है। ये जो मिस्टर संधू हैं ये पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक इंजीनियर का काम करते हैं, इंजीनियर हैं ये और ये भी इंजीनियर फैमिली है, ठीक है। तो ये जो थोड़ी नॉर्मल सी फैमिली है मतलब इतना लग्जरी लाइफस्टाइल इनका है नहीं, बहुत ही सिंपल है, पर फिर भी इनके जो डिसीजन है इसमें यूजलेस दिखाए गए हैं, तो इनको फुलिश फैमिली बोला जाता है सोसाइटी की तरफ से, ठीक है। इनका बस इतना ही बताया है।
नेक्स्ट आ गई हमारी मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता फैमिली, तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ठीक है, इनका एक बेटा है तरुण और दूसरा है पुनीत। तरुण इनका एल्डर सन है और पुनीत इनका यंगर सन है। तो तरुण की इंगेजमेंट इस प्ले में, इस चरण में हो जाती है शिल्पा नाम के एक कैरेक्टर के साथ। ठीक है, तो अब इस पार्ट में इन दोनों की शादी की तैयारियां जो है वो दर्शाई गई हैं कि कैसे मिसेस गुप्ता जो है वो पूरी प्लानिंग करती हैं, बहुत डिटेल और में एक एक चीज बताई गई है कि इन दोनों की शादी के फंक्शन प्लान किए गए हैं। तीन फंक्शन ये जो मिसेस गुप्ता है वो शिल्पा की मदर के साथ मिलके तीन फंक्शन प्लान करते हैं। एक तो मेहंदी प्लस लेडी संगीत, ये एक साथ ही प्लान करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो एक्चुअल वेडिंग डे है वो प्लान करते हैं, और तीसरा इनका आ जाता है रिसेप्शन का फंक्शन। तो ये प्लान इसलिए पहले बनाते हैं क्योंकि जो मिसेस गुप्ता है ये पूरे प्लानिंग के हिसाब से चलने वाली औरत है, ये प्लान करती है एक एक छोटी छोटी चीज के, लड़की के कितने सूट बनाने हैं, फैमिली जो रिलेटिव्स आने हैं उनको क्या कुछ कितना देना है, ईच एंड एवरीथिंग, खुद की ड्रेसेस कितनी लेनी है, कितनी ज्वेलरी लेनी है खुद के लिए, अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, हर एक चीज का इसने प्लान किया हुआ है इस स्टोरी। शॉपिंग करने के लिए वो अपनी मिसेस गुप्ता जो है शॉपिंग के लिए मिसेस संधू को कॉल करती है एंड देन उनको शॉपिंग के लिए पूछती है कि आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगी, तो ये मान जाती है कि ठीक है मैं चलूंगी, बिकॉज इन्होंने भी इनकी डॉटर इन लॉ के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई गिफ्ट तो लेना ही होता है, तो ये सोचते हैं कि मैं भी उसके लिए कोई साड़ी खरीद लूंगी वहीं से। तो ये अग्री हो जाती है उन दोनों के साथ शॉपिंग करने के लिए बिकॉज ऑफ इनके सारे रिलेटिव्स जो है वो इनकी फैमिली में जो एक और शादी है उसमें बिजी होते हैं, तो ये चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। इनका डील फाइनल होती है और इसके बाद जो स्टोरी है वो टर्न हो जाती है। तो सॉरी गाइस, फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। मिसेस गुप्ता एंड मिसेस संधू शॉपिंग करने के लिए प्लान बनाते हैं और देन जो स्टोरी है वो रामचंद्र की तरफ आ जाती है। फिर से जो सेवक साड़ी हाउस है उसका व्यू आ जाता है उसमें। तो उसमें रामचंद और हरी जो है वो दोनों शॉप में बैठे होते हैं क्योंकि लंच टाइम है और जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं, जो हरी है सॉरी जो गोकुल है, चंदर है और श्याम एंड राजेश हैं, वो सारे बिजी हैं। मतलब श्याम एंड राजेश जो है वो खाना खाने के लिए चले गए और चंदर जो है वो एब्सेंट था, आया ही नहीं, एंड जो गोकुल है उसको कुछ कपड़े दे के किसी दूसरी जगह पे कपड़े दिखाने के लिए भेजा गया है दुकान की तरफ से। तो बचे रामचंद एंड हरी एंड महाजन, ये तीन बंदे दुकान पे हैं और जो हरी है इसको लगी हुई है बहुत तीखी वाली भूख और इसको आ रही है बाहर से स्मेल समोसे तलने की, और ये रामचंद से बात करता है कि मेरे को क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा समोसे खाने की। तो ये रामचंद जो हरी जो है वो रामचंद से रिक्वेस्ट करता है उसको जाने के लिए कि उसको परमिशन दे के वो चला जाए, पर रामचंद मना करता है कि हम दो ही पर्सन है शॉप पे, अगर कोई कस्टमर आ जाएगा इस टाइम पे तो हमारे लिए मुश्किल है, तो तू रुक जा भी। तो इन दोनों की बातें जो है वो मिस्टर महाजन सुन लेते हैं, देन वो हरी को समझाने की कोशिश करते हैं, बट हरी जो है वो थोड़ा फनी पर्सनालिटी है, अपनी मर्जी ज्यादा करता है और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसकी पॉलिसी है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ये किसी की कोई टेंशन नहीं लेता, तो ये किसी की बात नहीं सुनता है। और इन तीनों की जो आपसी कन्वर्सेशन है ये एक कॉमिक एस्पेक्ट इसका शो करती है पूरी स्टोरी का। तो कहीं हमें जो भी असाइनमेंट में या कभी क्वेश्चन पेपर में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इस स्टोरी के जो कॉमिक एस्पेक्ट है उनको एक्सप्लेन करना हो, तो उनमें से एक हम ये भी बता सकते हैं क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में एक तो ये जो क्रेविंग बताते हैं इसकी, क्योंकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस क्रेविंग को कि हाँ मेरे को बाहर से समोसे की स्मेल आ रही है, बाहर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट आलू विथ ग्रीन पुदीने वाली चटनी एंड ऑल दैट,
तो सारा कुछ इसको जो है इसमें इसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी एक कॉमिक एस्पेक्ट है। और इसके अलावा जब महाजन हरि को समझाता है, वो डांटता भी है, तो वो पंजाबी वे में यू नो उसको डांटता है, तो वो भी एक फनी है। ये इसको बंदर बुलाता है, महाजन जो है वो हरि को बंदर बुलाता है कि मैं इस बंदर पे कभी भरोसा नहीं कर सकता, मैं पूरी शॉप में सारे इम्प्लॉयज पे ट्रस्ट कर सकता हूँ पर मैं इस बंदर पे भरोसा नहीं कर सकता, एटलीस्ट तब तक ये जब तक ये बंदर से इंसान नहीं बन जाता। तो ये सारे कॉमिक एस्पेक्ट हैं इस स्टोरी के। तो जो हरि है वो किसी की नहीं सुनता, वो इन दोनों को चकमा देके 2 मिनट में भाग जाता है, कहता है कि मैं बस यूं गया और यूं आया, और इसको लालच देता है कि डोंट वरी मैं आपके लिए भी एक समोसा लेके आऊंगा। इट्स ऑल्सो अगेन अ कॉमिक एस्पेक्ट। ओके, तो अब जो है रामचंद अकेला रहता है शॉप पे, रामचंद एंड महाजन, तो मिसेज संधू एंड मिसेज गुप्ता आ जाती है वहां पर शॉपिंग के लिए। तो पहले तो आके ये दोनों मैडम जो हैं वो आपस में ही बात करते रहते हैं और रामचंद्र जो है इनकी तरफ देखता रहता है। ये बता आपस में बात ये कर रही होती कि अच्छे टाइम पे आए हैं हम, लंच टाइम है, रश बिल्कुल नहीं है शॉप पे, हम अपनी शॉपिंग जो है वो बड़े आराम से करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं है यहाँ पर। तो सॉरी, तो फिर क्या होता है, इनकी बात को टोकते हुए रामचंद्र पूछता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो ये अपनी डिमांड बताते हैं कि हमें शादी के लिए कपड़े देखने हैं। ये कपड़े जब तक निकालता है तब तक ये दोनों लेडीज आपस में फिर से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मिसेस संधू जो है वो मिसेस गुप्ता को एक उनको उनकी प्रेज भी करती है और उनको एडवाइस भी देती है। उनको कहती है कि आप लक्की हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हो रहे हैं, एक बच्चा बाहर पढ़ाई के लिए गया, दूसरे की भी शादी हो रही है। तो उसको सजेस्ट करती है कि अब आप दान पुण्य का काम भी किया करो। तो मैं अभी ये कहती हूँ, मैं अभी करती हूँ कि जो अमृतसर में एक शिवाला मंदिर है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है इस स्टोरी में। मिसेस संधू कहते हैं कि शिवाला मंदिर में मैं जाती हूँ सुबह सुबह और वहां पर जो भी गरीब लोग हैं मैं उनको भोजन छका के आती हूँ, वो खाना दे के आती हूँ। तो शिवाला मंदिर का नाम सुन के जो रामचंद है उसके दिमाग में फिर से आता है अपनी पुरानी बचपन की यादें, कि इसको अपनी माँ की याद आ जाती है कि जब ये छोटा था तो इसकी माँ भी इसको शिवाला मंदिर में ले जाया करती थी। तो कुछ ऐसी ही इसके माइंड में कुछ परिस्थिति ये बचपन में अपनी बचपन की यादों में काम करते करते खो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की जो स्टोरी है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, एंड अभी तक का अगर कंटेंट आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।